वॉलपेपर में बड़े इंटरेस्टिंग डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं अगर अच्छे से लग जाएं, और अगर खराब वॉलपेपर लग जाएगा ना तो आपकी रूम की बैंड्री बजा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट वॉलपेपर कैसे चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्पेस का ध्यान रखें, आपकी स्पेस स्मॉल है कि लार्ज। अगर स्मॉल स्पेस है ना तो मैं बोलूंगा आपको थोड़े से वाइब्रेंट, थोड़े से न्यूट्रल, थोड़े से लाइट कलर के वॉलपेपर यूज करने चाहिए। और अगर आपकी स्पेस थोड़ी सी बड़ी है तो वहां पर आप एक डार्क वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, ट्रॉपिकल वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, पैटर्न वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। दूसरा, अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, रूम का टोन कैसा है, रूम का स्टाइल कैसा है। अगर रूम का टोन थोड़ा सा न्यूट्रल है तो आप न्यूट्रल शेड की वॉलपेपर्स लगाइए। अगर रूम का टोन थोड़ा सा पॉपी है और थोड़ा सा पेपी है तो आप थोड़ा सा वाइब्रेंट और थोड़ा सा डार्क वॉलपेपर्स भी लगा सकते हैं। अब अगर आपके पास डेकोर है, चाहे वो एग्जिस्टिंग डेकोर है या आप नया डेकोर खरीद रहे हैं, तो आप अपने वॉलपेपर को ना अपने डेकोर के साथ सिंक्रोनाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छी कैनवस पेंटिंग तो ले ली पर वॉलपेपर अगर घटिया लग गया ना तो वो पेंटिंग भी घटिया लगेगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका डेकोर जैसा हो वैसा ही उसी टोन का, उसी को मैच करता हो वॉलपेपर भी होना चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वॉलपेपर ना लग बहुत सारी जगह सकते हैं, तो जरूरी नहीं है सिर्फ वॉल पे लगेंगे। हो सकता है आपने कोई लकड़ी की पैनलिंग करी है या कोई कपड़े की पैनलिंग करी है या कोई मिरर की पैनलिंग करी है, उसके आसपास या उसके बीच में भी वॉलपेपर लग सकता है, ऐसा कैनवस आर्ट की तरह लगेगा। तो इस तरीके से परफेक्ट वॉलपेपर चूज कर लीजिए।